कितनी खूबसूरत जगह है ये। जी चाहता है कि हम लोग यहीं पे घर बसा लें। तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली कविता। क्यों ना हम लोग यहीं पे कुछ दिन ठहर जाए, यहाँ कोई कमरा तो मिल ही जाएगा ना। अरे हाँ, यहाँ का इंचार्ज कौन है? मैं हूँ। हम दोनों को एक रूम चाहिए। रूम है? कितने दिनों के लिए? सब जगह देखनी है हमें। सब जगह देखने के लिए तो आधा दिन ही काफी है। आपको कितने दिन के लिए रूम चाहिए? दो दिन के लिए। सुहाना है ये मौसम। जो भी एक बार आएगा तो लौट कर जाएगा नहीं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। चलो। सुनो, चलो वहां चले। अच्छा आओ। जा ध्यान से चलना। आओ। होशियारी से उतरना। हाँ? नहीं तो गिर जाओगी। नहीं गिरूंगी, तुम जो मेरे साथ हो। कितनी सुंदर जगह है ये। हाँ। सुनो। हाँ? जरा वहाँ तो देखो। कहाँ? वहाँ पे। ओहो। कितना हसीन नजारा है ये। हाँ? पानी है, मैं नहा कर आती हूँ। Thank you.
गार्ड हो आप जी? हाथी कहाँ मिलेगा? हाथी के दुम के बाल की खाल से दमे की दवा के बारे में रिसर्च करना है। पहले तुम्हें 20 किलोमीटर दक्षिण जाना पड़ेगा, फिर बाईं ओर, वहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर उत्तर की ओर हाथियों का जंगल है, वहाँ तुम्हारी मन की मुराद पूरी हो जाएगी। बिना किसी मुसीबत के पहुँच सकता हूँ? वहाँ पहुँचना मुश्किल काम नहीं, लेकिन आने की कोई गारंटी नहीं। मौत की खबर घर भेज दो। हाथियों का झुंड होगा क्या वहाँ पे? हाथी होंगे और झुंड भी होंगे। चाहे जो हो जाना ही होगा वहाँ पर। हाथी की दुम का बाल मिलना चाहिए मुझे, आप साथ देंगे? किस लिए? दुम का बाल लाने के लिए। लेकिन जान का खतरा है वहाँ पर। जीने के लिए खतरों से खेलना ही होता है। सरकारी नौकर हूँ, खतरे का काम क्यों करूँ? यहाँ से जाओ और खोजो हाथी की दुम को। इसी वजह से हम जैसे मर्दों का मुर्दा निकलता है। अरे संभल के, अरे कम ऑन। कितने दिनों से इस खूबसूरत जगह को देखने के लिए तरस रहे थे। हेलेन मिस का सिलेक्शन भी खूब है। ब्यूटीफुल, तो फिर वहीं चले हम। यहाँ पर एक दो दिन तो रहने वाले ही हम लोग, यहीं बैठकर बातचीत कर सकते हैं ना हम। मुझे तो नहीं बैठना है, तुम्हारा जो मन करता है सो तुम करो, मैं तो चली। बाय बाय। प्रिया, वो जगह ज्यादा खूबसूरत है, वहीं चलेंगे हम दोनों। सुंदर तो ये भी है।
पेड़ देखो कितना ऊंचा है, है ना? अरे वो देखो। चल चल। It's beautiful. चल, हम उस तरफ चलेंगे। चल। हम लोग वापस चलें। मिस राह देख रही होगी, उनको राह देखने दो, मैं इन सब जगहों को देख कर ही आऊंगी। तुम्हें जाना है तो जाओ। आती है या अपनी आंखों से देखा हो तो कहूँ भैया। देखा ही नहीं तुमने तो फिर चिल्ला क्यों रहे हो? सचमुच हाथी आया तो कैसे मैं चिल्लाऊंगा ये सोच रहा था। ऐसे जंगली और पागल लोग तो जंगल में आया करते हैं, जानता हूँ। यही तो, तुम कहाँ से आ गए? आगरा के पागल खाने से। सुनो कान खोल कर सुनो मेरे भाई, मैं पागल खाने से भाग कर इस जंगल में नहीं पहुंचा। हाथी के पूंछ के बाल और मूंछ में क्या अंतर है इसकी खोज करने के लिए यहाँ आया। पूंछ के चक्कर में मैं अपनी मूंछ तक मुंडवा चुका हूँ। मूंछ मुंडवा दी आपने, बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। नगर की नगीना छोड़ गई तो जंगल की हसीना को खोजने आया। शायद आप ठीक कहते हैं, नगर की नगीना से जंगल की हसीना लाख दर्जे अच्छी होती है। आप जंगलवासी या नगर निवासी? कैसा लगता बोलो? नगर निवासी तो नहीं लगते, मुझे लगते हो जंगलवासी। सच्चाई सुनो, मैं भी नगरवासी था, इस जंगल में काम के लिए आकर जंगलवासी बन गया। तुम्हारी शादी हो चुकी है? जी हाँ। जंगल आ चुके हो तो भाग्यवान हो, मेरा तो भाग ही फूट गया है। भेद की बात है तो बोलो। थोड़ा भेद है, मुझे एक लड़की से प्यार था पर उसे कोई उड़ाकर भाग गया। नगर से मुझे नफरत हो गई, जंगल आ गया और यहाँ भी दिल नहीं लगा तो मैं क्या करूँगा जानते हो? सुसाइड, आत्महत्या। जो कहते हैं वो ठीक है, आत्महत्या करने की कोई जल्दी नहीं है। ये डंडा मुझे दे दो और चलो। अबे उधर देख, अरे कस्तूरी तो इसी तरफ आ रही है। हाँ।
चल आज अच्छा मौका है। हाँ हाँ चलो चलो। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे छत क्यों रही हो? छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। क्या बदन बदला है? क्या कर रहे हो? यू ब्लडी छोड़ूंगा। लेकिन क्यों? ये सवाल ही नहीं से पूछना। रुको, इन्होंने कस्तूरी को छेड़ा क्यों? चलो चलो अब चलो यहाँ से। किसी न किसी हाथी की पूंछ का बाल तुम्हें जरूर एक दिन मिल जाएगा। हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ समझे? इज इट ए ट्राइबल्स हाउस? ये आदिवासियों की झोपड़ी है क्या? ये आदिवासियों की झोपड़ी नहीं है, ये मेरी घर वाली चंडालिन भिक्षु की है। भिखारिन? भिखारिन नहीं, भिक्षुकी। ये मेरी बेटी वासवदत्ता। वासवदत्ता? चंगन कभी वाली वासवदत्ता? ए चंगन कभी वाली वासवदत्ता नहीं, मेरी बेटी वासवदत्ता है। ये समझ गया, वासवदत्ता अच्छा है, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? स्मशान कुमार। ये तो शरीर को देखने से ही पता चलता है। बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आ जाइए। बिल्कुल नहीं, अंदर बाहर की खाने में अच्छी तरह जानता हूँ। वो तो फॉर्मेलिटी के लिए भीतर बुला रही थी। फॉर्मेलिटी? 6 महीने पहले भी अपनी फॉर्मेलिटी दिखा चुकी है उस रेंजर को। यानी क्या हुआ था? हुआ क्या? रेंजर अंदर और मैं बाहर, 4 महीने तक इसकी फॉर्मेलिटी से तंग आ चुका हूँ मैं। कई बार समझा चुकी हूँ, औरत को संभल कर रहना चाहिए, मुसीबत पर मुसीबत तो होती है, हमें उनसे बच के रहना चाहिए। ऐसा नहीं है, तरबूजे पर चाकू गिरे या फिर तरबूजा गिरे, चाकू पर कटेगा तरबूजा ही। तुम अंदर जाओ। हाँ जमाना बदल चुका है साहब, ये तरबूज तो ऐसे होते हैं जो चाकू की धार को तोड़ मरोड़ के रख देते हैं। मैं समझ गया शमशान भाई, आज से प्यार से मुझे समसू का के पुकारा करो। Thank you.
चला गया। देखो प्रिया, क्या है वहाँ? वो देख, शाम हो रही है, हम लोग वापस चले? कितनी अच्छी जगह है, रूम में तो बोरी हो जाएंगे, सब लोग थोड़ी देर यहाँ रुक जाए, कितना मजा आ रहा है हमको। प्रिया की बात ठीक है, थोड़ी देर यहीं रुक जाएंगे मैडम। यस, थोड़ी देर यहीं ठहरेंगे हम। ठीक है, बट बी केयरफुल, सिवाय पत्रों को यहाँ कुछ भी नहीं, पत्रों से भी कोई डरता है, सब लोग हैं, हम लोग अकेले तो नहीं। प्लीज मिस, प्लीज मिस, प्लीज मिस, प्लीज मिस। Thank you.
हाथी भी नहीं है और उसकी दुम भी नहीं मिली, लेकिन मैं हारने वाला नहीं हूँ, कभी ना कभी मिली जाएगी। ए, कौन हो तुम? हाथी की दुम। हाथी की दुम हो? जी दुम पर रिसर्च करना है, मेरा नाम रोशन लाल है। दुम पर रिसर्च? उतर नहीं। उतर रहा हूँ जी। क्या बात है, होश ठिकाने? होश ठिकाने नहीं है सर, रिसर्च मुश्किल काम है। कितने लोग हाथी पर रिसर्च करके डॉक्टरेट हासिल कर चुके हैं, बहुत से लोग चूहों और कुत्तों पर रिसर्च करके डॉक्टरेट हासिल कर चुके हैं। मैं हाथी की दुम पर रिसर्च करके डॉक्टरेट पाना चाहता हूँ, इसलिए काम कर रहा हूँ। हाथी की दुम? ये बड़ी अजीब बात है। वो तो मैं मानता हूँ सर। इस जंगल में किसी अजनबी को देखकर हमको शक तो होता ही है। शक करना तो आपका फर्ज है हुजूर, शक करना तो कोई गलती नहीं है। अपने डैडी पर भी शक कर सकते हैं आप तो। पहले पुलिस के हाथ लग चुके हो? एक बार लग चुका हूँ, जमानत देकर रिहा करवाया दोस्त की चोरू ने। कितने दिन चलेगा ये रिसर्च? कोई चार पाँच एक दो महीना तो चलेगा ही वहाँ से। हर रोज तुम्हें मेरे कैंप में आना पड़ेगा। रहने का बंदोबस्त हो चुका है सर। रहने के लिए नहीं, मेरे कैंप में आकर हाजिरी देनी पड़ेगी। जी सर। हाँ जमा हो जाओ। ये तो वासव दत्ता है। हाँ तुम हाथी की दुम खोज रहे हो? हाँ मैं इस जंगल में हाथी की दुम ही खोज रहा हूँ, लेकिन ये बताओ हाथी की दुम से मेरा संबंध है तुम कैसे जानती हो? पिताजी बोले आई सी तुम यहाँ आए हो, दवा की रोगियों की दवा तैयार करना चाहते हो, ठीक है ना? सच कहती हो, किसी से उधार नहीं नगद रकम साथ लाए हूँ एक नया रिसर्च करने के लिए। मैं कामयाब होकर दमे का रोग दूर करके ही शांति पाऊंगा। सर अपने शहर के घर कब जाओगी? दमे की दवा खोज कर ही शहर जाऊंगा। मुझे नहीं ले जाओगी? पतली कमरिया तुम्हारी गुजरिया, हमको न मारो नजरिया। ये तो मैंने नहीं कहा, किसी कवि ने कहा। तुम डरो नहीं, मेरे साथ चलो शहर ले जाके आइसक्रीम फ्रूट सलाद डबल बुलसाई सब खिलाऊंगा तुम्हें। पिताजी मेरी शादी करने की सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, शादी करने वाले को हलाल कर दूंगा, हम दोनों भाग जाएंगे। अगर पिताजी जान गए? जान कर क्या करेंगे, चलो मेरे साथ है। आओ, आओ, बैठो। तू क्या काटेगी? बैठो ना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कारण जानती हो? क्या है? तुम हाथी की दुम की तरह हो। हाँ ये तेरी अदा है। इस जंगल में किसी हाथी को या मैंने किसी हाथी की दुम को इस माइक्रोस्कोप में अभी तक नहीं देख सका। अगर देखा तो तुम्ही को। मेरी माँ को नहीं देखा? यह जंगली हाथियों को देखने आया, तुम्हारी माँ को देखने नहीं आया प्यारी। इसीलिए कुछ मत करो। अरे ऐसा कहने से डरते क्यों हो? मैं कुछ नया तो नहीं कर रहा हूँ, जो लोग करते हैं वही कर रहा हूँ मैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आया। समझा देंगे धीरे धीरे। पहली बार 250 रुपए, गर्भवती हो गई तो 5000 रुपए, सभा समिति के जरिए कुछ और रुपए मिलेंगे तुम्हें, और कोर्ट से ही आसानी से 6000 रुपए जरूर तुमको दिलवाऊंगा, ठीक है? तुम्हें गर्भवती करने वाला जो यहाँ पर आया है सेक्टर इंस्पेक्टर है, सिर्फ ये बोला तुम ना भूलना, बाकी करेगा रोशन। उसने रोशन को कैंप में बुलवाया है, उसे रोशन बुलवाएगा यहाँ पर और रुपए कमाओगी तुम। तुम यहाँ रेस्ट हाउस में रहती हो? यस। घूमने के लिए अकेली जा रही हो? यस। ऐसा है तो हम दोनों साथ घूमेंगे, कंपनी के लिए मैं हूँ
चले। कुछ गोलमाल कर रहे हैं जानते हो। मैं भी यही चाहता हूँ, हमारा सारा काम बन जाए और शादी के बाद आबादी बढ़ाने के लिए रुपये पैसे की हमको जरूरत नहीं पड़े। हाँ कुछ हो गया तो किसी को मुंह नहीं दिखा सकते हम। मुंह दिखाने की जरूरत ही क्या है दादी? क्या बोली, किसने सिखाया तुमको ये? मुझे उस शहर वाले बाबा ने बताया था, माँ बाप को मम्मी डैडी कहकर बुलाओ। देखो हमारी बेटी कितनी बदल चुकी है, अभी से माल जब गोल हो रहा है तो खोज पूरी होने के बाद क्या होगा। तुमको सामने क्या बोला डैडी बोलने के लिए, फिर एक बार डैडी बोलो। डैडी बेटी। बाल अगर मिल जाएगा तो मैं राजा बन जाऊंगा। कहाँ मिलेगा, खोल लेते हैं। अरे बाप रे, अरे बाप रे।
शमशान कुमार जरा रुको। अरे शमशान कुमार ऐसे मत पुकारो मुझे, शमशू करके पुकारो। शमशू दूसरा माल मिलेगा हमको है बोलो। तुम चाहिए ओ शराब? हाँ ऐसा बोलो ना। इस जंगल में उसकी क्या कमी हो सकती है, तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। तुम्हारे साथ चलते हैं। अरे गोपाल साहब को तुम्हारे पास लाया हूँ, हाथी की तुमकी बाल खाल निकालेंगे। अरे बुद्धिमान हो तुम। हाँ तुमके बाल के बाल। उसके लिए ये भी जरूरी है कि तुमको तुमकी बाल कहाँ मिलेगी, समझू जानता है, थोड़ी पिला के उसको खोला करो, जान लो। पहली दार की है ना, डालो। साहब को ये बता दो कि यहाँ खराब माल मिलता है। बरोबर। बस फर्स्ट क्लास। चलो वासव दत्ता की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। क्यों? रात में नींद के अंदर भी, सपने में भी वो साप साप बड़बड़ाती रहती है। नींद के अंदर रात को साप साप क्या करूँ? क्यों सच सच कहते हो? सुनो अब सपने में भी वो हाथी की झूम झूम करती रहती है। उसी को तो कुमार अभी बाली उम्र है, फिर सुबह की भीनी भीनी सुगंध दुम दुम कहकर जोर से चिल्लाती है, वो आँखों के खुलने तक उस नन्ही सी कच्ची कली को भय लगता होगा। तुम्हारा ठेला सब तुम्हारे पास रखो ना। वो देख रेंजर आ रहा है। चला भाग भाग ले। ओए रुक जा भाई वरना गोली मार दूंगा। हथियार नीचे फेंक दो, हथियार नीचे फेंको। चलो यार चलो। Yeah.
शमशान, शमशान। ए, शहर के बाबूजी हैं? हाँ बाबू ही हैं। पिताजी नहीं हैं? पिताजी नहीं हैं। अम्मा भी नहीं हैं? अम्मा भी नहीं। ठीक है, वो कब तक लौटेंगे? रात को आएंगे। आएंगे रात को, तब तो समय शुभ है। उनके आने से पहले तुमसे कुछ पूछना है मुझे। आ? क्या है? इस जंगल में कब और कहाँ हाथी आते हैं बता, उनके दुम के बाल कहाँ मिलेंगे जल्दी बता। तुम्हें तो इस जंगल की सभी जगहों का पता है। पूरा पता नहीं। नहीं जानती तो भी परवाह नहीं मुझे, अपने साथ एक मैप लाए हूँ। मैप? हाँ मैप, आओ दिखाते हैं। आओ उधर चलो, अंदर चलो, दिखाएंगे। ये हाथी की दुम का बाल कहाँ मिलेगा, कहाँ ढूंढूं? अरे मैं रिसर्च का क्या होगा, मेरा ना बेकार हो गया। अरे कितने दिन इंतजार करना पड़ेगा। साहब तुम कहाँ जा रहे हो? वही पुराना काम, हाथी की दुम का बाल। कहाँ तक पहुँचे? हाँ आधी दूरी पूरी हो गई। मेरी झोपड़ी में चलोगे? हाथी की दुम का बाल दोगी? बाल के सिवा और कुछ नहीं चाहिए? बाल ना हो जहाँ वहाँ क्या काम? क्या कहा? कुछ भी नहीं चंडी, इतना भारी बोझ देखकर दुख होता है मुझे। ये बोझ जिंदगी है। ये मानता हूँ, दूसरा बोझ उठाना नहीं सीखा? मुझे सिखाओगे? चंडी चुपचाप मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सोने की चिड़िया की तरह रखूंगा। मेरे साथ चलो। तो वो बाप और बेटी? बेटी और बाप की बात तो मत करो। चंडी साथ आओगी तो कल ही ये जंगल छोड़ दूंगा। दुम के बाल को खोजने से कोई फायदा नहीं मुझे, हाथी को छोड़ तेरे पीछे चलूंगा। फायदा होता है या नहीं देखूंगा। चंडी क्या बोलती हो, मेरे साथ चलोगी कि नहीं? चलूंगी। लेकिन हम दोनों का ये भेद शमशान को पता ना चले। अगर पता चल गया तो हम दोनों को शमशान पहुंचा देगा। चलो। इस खूबसूरत चेहरे को रात दिन देखते रहो तो भी दिल भरता नहीं, है ना हसीना? जी हाँ। अभी एक दो जगह और देखना बाकी है, उन्हें देखने के बाद लौट चलेंगे। क्यों? हाँ? आईने की तरह साफ पानी दिखाई दे रहा है, हम थोड़ा और नीचे चलेंगे। चल। मैं नहीं आऊंगी, तुम चलो ना। हम्म, चल ठीक। हसीना, हसीना, हसीना! हसीना! हसीना!
हसीना 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 जंगल में कोई आदमी ही नहीं रहता। ऐसे लगता है। है मिस्टर, क्यों? क्या बात है? हसीना मेरे साथ थी, अब दिखाई नहीं देती। यहाँ हम जंगल को देखते हुए पहुँचे। मैं सिर्फ पानी में उतरा, वहाँ से लौटकर जब आया तो हर जगह देखा, हसीना का पता ही नहीं। कहीं से मुझे एक चीख सुनाई दी सर। है? चीख? Come on, चल। उधर जाओ। यस सर। और तुम लोग उधर जाओ। यस सर। और तुम मेरे साथ आओ। यस सर। यस सर।
ऊपर जाके देखो, आग लगा दो वहां। झाड़ियों में आग लगा दी ना? हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिया। मुझे ये शक हुआ था कि कोई खूंखार जानवर उसे मारकर उन झाड़ियों में छुप गया होगा, इसीलिए आग लगाई थी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। पर लड़की पर हमला होने के बाद वो उस जगह से कैसे गिर के आई? मैं कुछ समझ नहीं पाया। हो सकता है कि उस लड़के को बेवकूफ बनाने के लिए या उसकी नजरों से बचने के लिए अनजाने में पीछे हट रही होगी, फिसल गई और नीचे गिर गई। ये भी हो सकता है, लेकिन गिरी होती तो घाव जरूर दिखाई देते। हाँ तुम ठीक कहती हो। Come on, come. आओ बैठते हैं। अरे जल्दी चलो, कहीं भाग चलते हैं। तुम्हारी हर तरफ से खिदमत करूंगा, तो किसी भी बात की चिंता मत करो, होशियार दिखाऊंगा मैं। चलो, अरे चल रही। उसे भी जाने दो। माँ और बेटी जब सोलह श्रृंगार कर रही थी तभी मैं जान गया था उसके पीछे कोई ना कोई भेद है। वो विश्वास करने योग्य नहीं है, ये तो उसी दिन मैंने कह दिया था। माँ और बेटी जब मेरी बात नहीं सुनी, अब मजा लो। दमा के रोग की दवा खोजते खोजते मेरे घर को ही बर्बाद कर दिया, मुझे बेदम कर दिया उसने। तुम्हें बहका कर गर्भवती कर दिया, अब मत रो बेटी। ये वही जगह है जहां लड़की की डेड बॉडी मिली थी सर। आई सी। कम ऑन लेट्स गो सर। ट्रैवलर्स बंगलो का वॉचमैन कैसा लगता है? वो कोई बुरा आदमी है ऐसा तो नहीं लगता मुझे। उसे देखकर मुझे शक जरूर हुआ। He looks like a criminal. कई सालों से वहां पर वॉचमैन का काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन कोई गुनाह करने के लिए सालों की जरूरत नहीं होती, इसके लिए एक सेकंड काफी होता है। आप ठीक कह रहे हैं सर, किसके मन में कब गुनाह करने का जोश पैदा होता है ये कहना मुश्किल है। श्योर करें। इस वक्त तुम कहां से आ रहे हो? इस वक्त नीचे से होकर आ रहा हूं। लेकिन काम तो यहां करते हो, वहां क्यों गए? इसलिए कि इस जंगल के अंदर जो खून हुए उसके जिम्मेदार तुम हो, है ना? ओ नहीं सर, जब मैं ड्यूटी कर रहा था उस वक्त अपनी आंखों से एक औरत को गुजरते हुए देखा और तुरंत उसका पीछा किया। औरतों के पीछे तुम क्यों भागते हो? औरत तो मेरी कमजोरी है, अचानक किसी औरत को देख कर अपना चैन खो बैठता हूँ और पागल हो जाता हूँ। क्या शादी तुमने नहीं की? की थी, पर मेरी पत्नी मुझको छोड़कर भाग गई। बहुत खूब, क्या तुम्हारे साथ शादी करके वो औरत भाग गई? सच बोलता हूँ, मेरे मालिक के साथ भाग गई। उसके भागने के बाद कई लड़कियों के साथ शादी करने की कोशिश की, भालू से शादी कर लेगी लेकिन मुझसे शादी हरगिज नहीं करेगी ये कहकर सबो ने इनकार कर दिया। एक काम करो, इन बालों को कटवा कर मनुष्य की तरह जीना सीखो तुम, समझे? मेरा सर, मेरे बाल, जैसे मैं चाहूं वैसे रखूंगा। तुम कौन होते हो? हा? बड़ा या रेंजर? हा? बाल कटवाने को बोलता है।
Ah!
आदमी नहीं है, ले चलो इसे। ये वासना का भूखा भेड़िया है, इसी ने किया जवानी का खून। अब आपको पता चल गया सर, मैं एक भोला भाला इंसान हूं।